आज हम लोग मोल के और क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन बता दिए थे, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन फर्स्ट है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके लिए क्या, इसमें क्या पूछा है, कार्बन किसका द्रव्यमान पूछा है, कार्बन का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोल इक्वेशन लिखेंगे या मोल समीकरण लिखेंगे। मोल समीकरण, मोल समीकरण अब किसका लिखना है मुझे, कार्बन का, तो लिखेंगे एक मोल कार्बन इक्वल, कितने अणु होते हैं, 6.02 × 10³ परमाणु इक्वल, कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है, 6×12 ग्राम। ठीक, अब बोला है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्बन के एक परमाणु का, अब पता है कि इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है, होता है 12 होता है। अब हम देखेंगे इसमें बोला है एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो इतने परमाणु का द्रव्यमान इतना है, इतने टोटल कितने परमाणु है, इतने परमाणु है, इतना का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक परमाणु का क्या आ जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान इक्वल 12/6.02 × 10³। ठीक, बोला है एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या निकल गया, ये निकल गया। जैसे अगर बोलते हैं कि 5 पेन का मूल्य 20 रुपये है, 5 पेन की कीमत 20 रुपये है, तो एक पेन की कीमत क्या आ जाएगी, 20/5, सिंपल सा। उसी तरह ये भी है, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है, तो एक परमाणु का क्या हो जाएगा, 12/इतना। ठीक, इतना बटे इतना, दशमलव इसका हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100, तो हो गया 12 × 100/6.02 × 10³। इसको सरल कर देंगे तो काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 3 6, 0 2 1 2। ठीक, कितना आया, इसको फिर आप कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 600 × 301 × 10³। इसको आप फिर भाग दे दीजिए, 600 301, तो ये हो जाएगा आपका 1301, ये हो गया 9, ये हो गया 2। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 0 चला जाएगा। अब 9 बार कर देंगे, 9 1 9, 0 9 3 27, 1 8, 10 9 1, और ये हो गया 8, ये हो गया 1, सॉरी यहाँ 2 और यहाँ 0, 1 0 और बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो ये हो गया 27, 0 9, 10 9 1 और 0 1 0। ठीक, मुझे दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना है, निकाल लिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसका हल करने पर इसका क्या निकला है, 1.99 × 10³। अब ये 23 यहाँ माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम ऊपर ले जा रहे हैं। फिर से देख लेते हैं, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोल समीकरण है, एक मोल, सबसे पहले मोल समीकरण लिखेंगे, तो एक मोल कार्बन इक्वल इतना होता है, इतने परमाणु और इतने द्रव्यमान क्या होता है, 12 ग्राम। अब एक परमाणु का निकालना है, बोला है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या निकल जाएगा, इतना बटे इतना लिख देंगे, 12 ग्राम बटे इतना,
तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 12, इसका जब पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये हो गया 12 × 100, इतना बटे इतना काट देंगे, 6 2 से काट दिए हैं, दो छक्का 12, द्वितीय 6 2 1 2, अब मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, 6 में 100 का 600 बाई इतना, अब इसमें इसका भाग दे देंगे तो ये आया, भाग करने पर अब इसको हम लिख सकते हैं इतना बटे 10^23। हम इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, 1.99 × 10^ पावर में क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है अवोगाड्रो संख्या का मान इतना है, यदि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 है तो इसके एक अणु का लगभग द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक चीज़ जान लीजिए, जो मूल संख्या का मान क्या होता है, 6.02 × 10^23, इसे ही हम अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो नियतांक ठीक। ये जो मोल संख्या होता है इसी को हम अवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो नियतांक कहते हैं, जिसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, क्या है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है, तो सबसे पहले एक मोल समीकरण लिख लेंगे, एक मोल हाइड्रोजन, अब आणविक द्रव्यमान है तो हाइड्रोजन 2 होगा, AH लिखेंगे तो परमाणु हो जाएगा, अब एक मोल हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान ये हो जाएगा 6.02 × 10^23, अणु है तो अणु होगा, इक्वल कितना द्रव्यमान होता है आणविक द्रव्यमान, 2 ग्राम। बोला है एक अणु का, तो एक अणु का निकाल लेंगे, एक अणु का द्रव्यमान सेम पहला क्वेश्चन जैसे है, एक अणु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, 2/6.02 × 10^23, इसको हम सरल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 0 × 2 = 1 = 2, तो ये हो गया आपका 1/3.01 × 10^23। जब हम इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 0.1 मोल KCl का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक, 0.1 मोल KCl का ग्राम में द्रव्यमान, सबसे पहले हम मोल समीकरण लिख लेंगे, तो 1 मोल KCl बराबर क्या हो जाएगा, 6.02 × 10^23, अणु है तो अणु हो जाएगा, इक्वल इन दोनों का द्रव्यमान कितना निकल जाएगा, 74.5 ग्राम। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पोटेशियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा, तो इन दोनों का कुल आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, 74.5। अब सीधे बोला है कि एक मोल KCl का, एक किसका कनेक्शन है, सीधे यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन है, एक मोल से, देखिए हमें अणु से मतलब नहीं है, अणु पूछा ही नहीं है इसमें, सिंपल सा पूछा है कि इतने मोल KCl का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो एक मोल KCl का द्रव्यमान कितना है, 74.5 ग्राम, तो 0.1 मोल KCl का क्या हो जाएगा, 74.5 × 0.1, जब गुणा कर देंगे तो ये आएगा इतना ग्राम, 0.1 मोल KCl का ग्राम में द्रव्यमान क्या निकल गया, 7.45 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 लीटर जल में उसके अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम अणुओं की जो संख्या ज्ञात करना है 1 लीटर जल में, ठीक, अब मुझे अणुओं की संख्या से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम इसका क्या लिख लेंगे, मोल समीकरण लिख लेंगे, तो एक मोल जल H2O इक्वल क्या हो जाएगा, 6.02 × 10^23, अणु है तो अणु हो जाएगा, इक्वल
H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। 1H का 1, 2H का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल गया? 18 ग्राम हो गया। अब बोला है कि 1 लीटर जल, अब यहाँ तो सीधे ग्राम में दिया है, अब मुझे लीटर को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 लीटर इक्वल कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक, ये फार्मूला होता है, क्योंकि हम लीटर को डायरेक्ट ग्राम में, ग्राम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो लीटर को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1 लीटर इक्वल कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अब मुझे पता है कि 18 ग्राम में इतने अणु आते हैं। ठीक, 18 अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम। अरे 18 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या आएगी? 6.02 × 10^20 इतने अणु आ गए। ठीक, 18 ग्राम में इतने अणु आ गए, तो सबसे पहले तो हम 1 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 6.02 × 10^23/18, ये निकल गया आपका 1 ग्राम का। अब मुझे निकालना कितने का है? 1000 ग्राम का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 ग्राम इक्वल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10^23/18 × 1000। ठीक, 1000 ग्राम का ये आ गया। ठीक, तो इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट कर देंगे, तो क्या आ गया? 602 × 1 जीरो से इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 10^24/18। जब हम इसका भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 602 2 9 18 2 3 6 0 2 1 2, क्या आ गया? 301 301/9। ठीक, कितना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, ये हो गया आपका 3 0 1 आ गया, 9 × 3 = 27, ये हो गया 4, 0 पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, 9 × 4 = 36, क्या आ गया? 4, फिर ये 4 4 आता रहेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? 33.4 × 10^24। ठीक, जब इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, इस दशमलव को हटा के यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.34 × 10^25। क्या पूछा है? कितनी अणुओं की संख्या क्या है? तो इतने अणु। 1 लीटर जल में उसके अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जल का मोल समीकरण लिख लेंगे, तो जल का मोल समीकरण, 1 मोल H2O इक्वल क्या हो जाएगा? 6.02 × 10^23 अणु, 18 ग्राम। इसका जो आणविक द्रव्यमान है कितना होगा? 18 ग्राम। अब बोला है कि लीटर, हम लीटर को, अब यहाँ तो ग्राम में आया है, अब यहाँ बोला है कि 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या, तो हम लीटर को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 लीटर इक्वल 1000 ग्राम। अब 18 ग्राम में इतने अणु, आपको पता है यहाँ से दिख रहा है 18 ग्राम में इतने, मोल से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है, तो 18 ग्राम में इतने अणु आ रहा है, तो 1 ग्राम में क्या आएगा? तो 1 ग्राम में इतना बटे इतना, जब इतना फिर 1000 ग्राम में क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम इतना बटे इतना मल्टीप्लाई 1000, जब दोनों का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका पॉइंट हटा दिए तो 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। अब 602 × 10 जो यहाँ बचा था इसमें कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो गया? ये 10^23 पहले से था, 1 जीरो और लगा लिए तो 24 हो गया, बटे 18, 0 से 0 तो कट ही गया है। अब इसको हम 2 से काट दिए, 2 9 18 2 3 6 0 2 1 2, क्या आ गया? 301/9। अब 301 का 9 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 × 3 = 27, 3 बज गया, 1 आ गया, 9 × 3 = 27, 11 में 4 निकालेंगे, 4 आ गया, 0 9 = 36। ये अब ये 4 4 4 बार बार आता रहेगा, तो हम यहीं से बंद कर देते हैं। इसका आंसर क्या आया? 33.4 × 10^24। जब हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.34 × 10^25। 24 हम एक संख्या पहले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 25। और ये आ गया 1 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 लीटर जल में उसके अणुओं की संख्या कितना निकल गया? 3.34 × 10^25। बोला है H2SO4 के 1 मोल में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, H2SO4 के 1 मोल में। अब हम H2SO4 का 1 मोल का सबसे पहले मोल समीकरण लिख लेंगे,
तो लिख लेंगे एक मोल H2SO4 इक्वल क्या हो जाएगा, 6.02 × 10³ अणु। अब H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो H2 से हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 16 × 32, 2 + 16 + ऑक्सीजन का 64। H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान 98 होता है, 98 ग्राम। प्रत्येक परमाणु का तो सबसे पहले हम H का निकालेंगे, एक मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु आएंगे, 6.02 × 10³ परमाणु। ठीक, ये तो एक H का निकला, अब कितने H है इसमें, 2 H हैं, तो क्या कर देंगे, 2 × 6.02 × 10³, तो कितना आ जाएगा, 6 × 12 दुसनम इतना ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, सल्फर, एक मोल सल्फर में कितने परमाणु संख्या आ जाएगी, इतने परमाणु, अभी तो सल्फर अकेला है तो जितना है उतना ही रहेगा, कितने परमाणु आ जाएंगे, 6.02 × 10³। ठीक, अब निकालेंगे ऑक्सीजन का, एक मोल ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, 6.02 × 10³ परमाणु। अब देखेंगे कितने यस हैं, तो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 × 6.02 × 10³ इक्वल क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 24 × 10³ ये हो गया प्रत्येक परमाणुओं का संख्या। ठीक, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, अब बोला है प्रत्येक परमाणुओं की संख्या तथा कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 10³ यही हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ देंगे तो 8 × 2 = 10, 4 = 14 और ये हो जाएगा 1.62 × 6² = 12 और ये 2 × 1 = 3 = 4, कुल परमाणुओं की संख्या कितना निकल गई। क्या हम इस पॉइंट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.214 × 10⁻², क्योंकि 23 है, हम इस पॉइंट को इधर ले आए तो एक संख्या और बढ़ गया है, तो ये क्या हो गया, 24 परमाणु, ये हो गया कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं, H2SO4 के एक मोल में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या तथा कुल परमाणुओं की संख्या, तो सबसे पहले एक एक परमाणु का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन का इतना परमाणु होता है, तो हाइड्रोजन में तो देख ही रहे आप H2 है तो 2 परमाणु है, तो 2 × इतना कर देंगे तो ये आ गया। ठीक, अब फिर निकालेंगे सल्फर है, तो एक मोल सल्फर में क्या, 6.02 × 10³, सल्फर में तो अकेला सल्फर है तो जो है वही रहेगा, तो 6.02 × 10³। अब एक मोल ऑक्सीजन का 6.02 × 10³ परमाणु, अब कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 4 × इतना, जब इसका गुणा कर देंगे तो ये आ गया। अब बोला है ये तो प्रत्येक परमाणु का निकल गया, ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया सल्फर का, ये हो गया ऑक्सीजन का, अब कुल परमाणु के लिए हम क्या कर देंगे, कुल मतलब जोड़ देंगे, तो ये आ गया उसके परमाणुओं की कुल, H2SO4 के कुल परमाणुओं की संख्या। आप यहाँ पे लिख दीजिए H2SO4 के कुल परमाणुओं की संख्या इक्वल 4.214 × 10⁴, ये हो गया आपका H2SO4 के कुल परमाणु।